आरटीओ द्वारा मनाए जा रहे हैं प्रथम सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मंगलवार को संभागीय परिवहन विभाग के कार्यालय पर फर्स्ट रिस्पॉन्ड प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी अनिता सिंह ने बताया कि सेव लाइफ फाउंडेशन के द्वारा बस, ट्रक, टेम्पो, टैक्सी चालकों को पूरे प्रदेश में वर्चुअल प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाए तो उसे किस तरह से बचाया जाए। उन्होंने बताया कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम वर्चुअल पूरे प्रदेश में किया गया है। इस अवसर पर सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी अनिता सिंह ने कहा, इसके बाद चेक आए जैसे चल चले वही नहीं, क्योंकि यार नहीं हो सकता तो उनका जमा जीना है ना, जीना के बाद तो जमा कराते रहे तो इस दुर्घटना के कारण कितने लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, क्या आपको जब किसी के घर का कोई अपना आदमी इस तरह की कंडीशन से गुजर रहा है, रिसर्च कर रहा हो आप लोगों को अपना वीडियो भर दीजिएगा, आपको मेरा बेटी है करीब
आज हमारे छठे दिन सेव लाइफ फाउंडेशन के सहयोग से बस, ट्रक, टेम्पो, टैक्सी, ऑटो रिक्शा चालकों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर का प्रशिक्षण दिया जाएगा कि अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम होती है, एक्सीडेंट होता है या कोई समस्या हो जाती है तो किस तरह से किसी की भी लाइफ को बचाने के लिए आप पहला स्टेप क्या उठाएंगे, दूसरा स्टेप क्या कराएंगे, इसको प्रशिक्षण दिए जाने के लिए शासन के द्वारा एक सेव लाइफ फाउंडेशन को अधिकृत किया गया है और वर्चुअल माध्यम से इन सबको हमें प्रशिक्षण का कार्यक्रम आज किया जा रहा है। ये पूरे जनपद के, पूरे उत्तर प्रदेश के ARTO का कार्यालय इससे जुड़ रहा है और हमारे जनपद में जो बस, ट्रक, टेम्पो, ऑटो और ई रिक्शा के चालक जितने हैं वो वर्चुअल माध्यम से इसमें जुड़कर और ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे।